आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना, अर्धवार्षिक परीक्षा पुस्तक कला गृह शिल्प कृषि विज्ञान पूर्णांक 2.5 घंटा कक्षा 8 पूर्णांक सब बिना कोड का पेपर है, देख रहे ना। तो सबसे पहले हम पुस्तक कला हल करेंगे आज, देख रहे हैं ना, पुस्तक कला का पेपर है और यह मार्केट का पेपर है। इतना अधिक यह सेट 3 होगा, कौन सा सेट होगा, सेट 3 मतलब तीसरा पेपर ये कृषि पुस्तक कला का जा रहा है और इसके पहले डाला गया है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि इसके पीछे अर्धवार्षिक का पेपर जो पिछले साल का है, जितना मैंने पेपर डाला है उसको देख लेंगे, जितना अब की डाले हैं सबको देख लेना, तीनों सेट को। तो मैं आशा करता हूँ या निश्चित रूप है कि आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी और प्लस 70-80% तो मैच करेगा ही करेगा। एक चीज़ अगर मान लीजिए पूरा का पूरा 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 पेपर मैच कर गया, यही पेपर आ गया, तो इसको आप अपना भाग्य मानेंगे, सौभाग्य मानेंगे, सहयोग ही मानेंगे, ठीक। क्योंकि मैं भी खरीद के लाया, आपके सर जी भी खरीद के कहीं से लाए होंगे, मैच कर गया तो संयोग है, ठीक है ना। तो वीडियो को अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए यह चैनल और यह वीडियो दोनों रामबाण है, समझ लीजिए। इससे अच्छा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा पूरा भरपूर। लेकिन आप पिछले साल का पेपर पहले देखेंगे, इस वर्ष का पेपर देखेंगे और जो आप 6 महीना तक पढ़ाई किए हैं उसका भरोसा करेंगे, उसको पूरा तैयारी करके तब एग्ज़ाम देने जाएंगे, तब आप कहना कि आपका पेपर मैच किया था कि नहीं किया था। रिक्त स्थान भरना है, जुजबंदी से सिलाई का दूसरा नाम कहा जाता है किताब की सिलाई, क्या भरेंगे, किताब की सिलाई कहते हैं। दूसरा, कागज का निर्माण प्रथम केंद्र पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल से किसी जिले में। धार मामूली खराब होने पर लोहार धार रखते हैं, मतलब लोहा रख के पीठ जो है उसमें अपना एक वाक मिलेंगे। हथौड़े को अंग्रेजी में हामर कहते हैं, क्या कहते हैं, हामर, HAMMER है इसकी स्पेलिंग, हामर कहते हैं, हामर ऐसे लिख देंगे। चमड़े पर की गई कारीगरी डाट कहलाती है, लिखेंगे अपना। दूसरा क्वेश्चन है, शिल्प कला के कितने भेद हैं, किन्हीं 4 का वर्णन करो, ठीक। अगला है, हाथ से कागज बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करो। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, जो मैंने शुरू में बताया है उसको ध्यान रखना, पिछले साल के पेपर को पूरा देख लेना। बहुत से दुकानदार पुराना पेपर बेच दे रहे हैं, आप तो नए विद्यार्थी हैं, आपको क्या पता, अध्यापक भी चलो काम चला परीक्षा हो जाए, बस इतना ध्यान देना एक बार पिछले साल का छमाही। बहुत बच्चे वार्षिक पेपर देख रहे हैं, बहुत बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट करते हैं, अरे भाई पहले नया पेपर देखो, पिछले वर्ष का देखो, अर्धवार्षिक देखो, हमारे चैनल तो बहुत पेपर हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, तब आप कमेंट करना। हाथ से कागज बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करो। मॉडल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यालय फाइल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आयताकार लिफाफा बनाने की आवश्यक सामग्री बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, देख रहे ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।